सो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज की वीडियो में तो आज का जो व्लॉग है वो दुकान का रहने वाला है। सो गाइस जो मेरा बैग है वो पैक हो चुका है, देख सकते कितना बड़ा है, देख लो। सो गाइस तो चलो साइकिल लेते हैं और निकलते दुकान पे। सो गाइस अभी दुकान का ताला खोल देते फटाफट और इसके बाद इसको ओपन भी करना है। सो गाइस अभी दुकान का शटर भी ऊपर कर देते हैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ। और गाइस दुकान की हालत आप देख ही सकते हो, कुछ सेटअप नहीं हुआ है। सो गाइस अभी दुकान का जो सामान है उसको भी सही करना है और ये अभी मैं चार्जर लगा देता हूँ ताकि मेरा फ़ोन भी चार्ज है क्योंकि इसकी भी बैटरी लो है। और ये मेरा जो पिन है चार्जर का तो वो लगा ले रहा हूँ चार्ज में। गाइस मैं भी पहुँच चुका हूँ दुकान पर और दुकान पर आप देख सकते हो कि मैंने जितना सेटअप है दुकान का वो कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस दुकान का पूरा सेटअप मैंने कर दिया है, अब मुझे इधर पर बैठना है 6 घंटे बाद। सो गाइस अभी तो मैं दुकान पर हूँ और अभी कुछ ही देर में अंकल आएंगे और मैं जाऊँगा बाहर वापस से, और क्योंकि अंकल का आज रहना है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके आगे, तो चलो चलते घर पे। सो गाइस अभी तो मैं आ गया हूँ घर से दुकान पर, दुकान से घर पे आ गया हूँ और मैंने डाल लिया जैकेट और चलो चलते अभी कृष्णा के घर पर, फिर आगे देखते कहाँ जाने वाले तो आपको बता देंगे कहाँ जाने वाले, तो डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं, बताने की जरूरत नहीं पहले से। सो गाइस जैसे हमारा जो ये फेयर मेला है वो स्टार्ट होता है, जिधर पहले जो लड़के को कुछ सामान रहते वो सब मिलते इधर पे हमें। मैं इधर पे बोल नहीं पाया अच्छे से क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा था। और इसी दुकान के बगल में जस्ट हमारा इधर जूता चप्पल जूता है, मतलब नए नए टाइप के। इसके बाद आ जाता है हमारा अचार जिसको पिक्कल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हमारे कुछ टाइप के सेंट रहते हैं। बाद में कपड़ों की थोड़ी दुकान आ जाती है जिसे आप देख सकते हो, और ये कपड़ों की दो दुकानें लगभग। इसके बाद हमारा डायरेक्टली आ जाता है जय माता दी मुखवास, जो हम खाने के बाद हम खा सकते हैं जिससे हमारा मुंह वासनी मारता है, तो यही इधर पे अंकल बेच रहे थे। बाद में इधर पे होम कोई पाउडर था जिसे डालते थे। बाद में ये वॉच की शॉप आ जाती है जिसमें अलग अलग टाइप के शॉप वॉच थे और एयरफोन, और आगे के जो स्टॉल थे वो नहीं थे, ये अभी वापस से हो जाएगा आपको जैसे बताया हूँ। सो गाइस आपने देख लिया जैसे कि मैं आ गया इधर फेयर एंड टॉय एंड फेयर में, तो ये अभी आज 14 तारीख को ये ग्रैंड ओपनिंग होगा, तो अभी ये पहले का दिखा दिया आपको, तो अभी थोड़ा झूला वूला दिखा देता छोटे छोटे बच्चों का। उसके बाद हम आ जाते इधर जहाँ पे बच्चों की राइडिंग हो रही थी, मतलब मीन्स जहाँ झूला था बच्चों का, और ये छोटा सा एक ट्रेन था उधर पे, इधर पे ट्रेन भी था ये, और उसकी जस्ट बाजू में आप देख सकते हो कि इधर पे जो हम बड़े बच्चे लोग जाते हैं ऊपर कूद के नीचे आते हैं वो वाला था, दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। इसके बाद जस्ट इसके बाद एक छोटा सा झूला था, देख। सो गाइस अभी तो हम लोग जो टॉय एंड फेयर था तो उससे बाहर आ गए, अभी आपको वापस ही दिखाएंगे, पर वो दिखाएंगे आपको 14 तारीख को क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा लगेगा, तो क्योंकि उसका उस दिन ग्रैंड ओपनिंग है, तो डायरेक्ट उस दिन वापस इसका वीडियो बनाऊँगा। सो गाइस तो अभी चलो मैं और कृष्णा जा रहे हैं साइकिल लेके घर पे, अभी मेरे को एक जूता भी लेना है तो चलो वो जूता ले लेते पहले। तो गाइस उधर से हम आ गए थे कबाब पाव खाने के लिए, देख सकते हो आप ये रहा कबाब। तो गाइस अभी तो मैं घर पे आ गया हूँ व्लॉग व्लॉग कंप्लीट करके, और जूता लेने गया था बट वो अच्छा नहीं लगा, तो अभी तो है ना दिखा देता हूँ घर का सीन। तो गाइस कबाब पाव लेने गया था तो घर के लिए भी ला दिया, तो ये खा रहा है बेचारा, और ये बेचारा रो रहा है, उसको बड़ा पीस नहीं मिला इसलिए। बस आप कमेंट कर देना आपके घर पे ऐसा होता है नहीं जैसा मेरे भाई लोग करते हैं। सो गाइस मैंने जो आपको मेले का ब्लॉग बताया तो उसमें मेरे को ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए खाली वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया। सो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि गाइस घर पे बन रहा है मच्छी और आपको रेसिपी पता ही है जो बना के मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाई दिया था। सो गाइस तो आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मतलब एंड करते हैं, तो अगर चैनल पे न्यू आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए टाटा बाय बाय।